चढ़ती कला। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी दो दिन की गुजरात यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के पहले दिन यानी आज हिम्मतनगर के पास साबरकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पाद संघ यानी सबर डेयरी के 305 करोड़ रुपए के मिल्क पाउडर संयंत्र का उद्घाटन किया। इनके अलावा पीएम मोदी 29 जुलाई को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र का दौरा करेंगे। पीएम इस दौरान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ करेंगे, जो देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है। प्रधानमंत्री ने आज 28 जुलाई को दोपहर करीब 12 बजे साबरकांठा के गड़ौदा चौकी में साबर डायरी की कई परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद प्रधानमंत्री चेन्नई जाएंगे और लगभग 6 बजे चेन्नई के JLN इंडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड की शुरुआत की घोषणा करेंगे। इसके बाद वे गिफ्ट सिटी का दौरा करने के लिए गांधीनगर जाएंगे, जहां वे शाम करीब 4 बजे विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। एक स्कूल में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक ही सुई से 30 बच्चों को वैक्सीन लगा दी गई। अब इस मामले की गहनता से जांच हो रही है। मामला मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के सागर संभागीय मुख्यालय पर एक स्कूल में कोरोना वैक्सीन शिविर के दौरान एक ही सुई से लगभग 30 बच्चों को वैक्सीन देने के संवेदनशील मामले में प्रशासनिक स्तर पर जांच भी जारी है और इसके लपेटे में स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारी आ सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बुधवार के इस मामले में बच्चों को वैक्सीन लगाने वाले एक निजी नर्सिंग कॉलेज के तृतीय वर्ष के छात्र जितेंद्र अहिरवार के खिलाफ प्रशासन ने तत्काल यहां गोपालगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोस्वामी ने जिला टीकाकरण अधिकारी आर रोशन के खिलाफ जांच और कार्रवाई संबंधी प्रस्ताव सागर संभाग आयुक्त मुकेश शुक्ला को भेजा है। सूत्रों ने कहा है कि बुधवार को एक स्कूल में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन देने के लिए शिविर लगाया गया था। अचानक एक व्यक्ति की नजर पड़ी कि वैक्सीन लगाने वाला सभी बच्चों के लिए एक ही सुई यानी सिरिंज का उपयोग कर रहा है। उसने तत्काल इस पर आपत्ति जताई और उसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। पड़ताल के दौरान वैक्सीन लगाने वाले जितेंद्र अहिरवार ने कहा कि उसे वैक्सीन के लिए एक ही सुई दी गई, तब तक वह लगभग 30 बच्चों को वैक्सीन दे चुका था। मामले के तूल पकड़ने पर वैक्सीनेशन कार्य रोका गया। प्रारंभिक जांच के बाद प्रशासन ने वैक्सीन देने वाले के खिलाफ गोपालगंज थाने में लापरवाही संबंधी मामला दर्ज करवाया। आज संसद के मानसून सत्र के 9वें दिन भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। वहीं इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही कि एक आदिवासी महिला इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को सुशोभित कर रही है। सोनिया गांधी द्वारा नियुक्त नेता सदन अधीर रंजन ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्र की पत्नी के रूप में संबोधित किया। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से पहले ही विपक्ष उन पर लगातार कटाक्ष कर रहा था। विपक्ष का कहना था कि द्रौपदी मुर्मू महज बीजेपी की कठपुतली हैं और विपक्ष के इस बयान पर अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि जब से द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में घोषित हुआ, तब से ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा और उपहास का शिकार बनी है। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कठपुतली कहा। उन्हें कहा कि कांग्रेस ने सोनिया जी की अध्यक्षता में ये संस्कार और मूल्य विहीन एवं संविधान को चोट पहुंचाने वाला काम किया है। उन्होंने कहा कि संसद में और सड़क पर कांग्रेस और उनके नेताओं को देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से और देश से माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में की गई एक अपनी टिप्पणी पर सफाई देते हुए कहा कि उनके मुंह से चूकवश एक शब्द निकल गया और भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे उसे उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति के पद पर चाहे किसी भी समुदाय का व्यक्ति आसीन हो, वह उसका पूरा सम्मान करते हैं। चौधरी ने मीडिया से बातचीत में राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का उपयोग कर दिया था। भाजपा सदस्यों ने बृहस्पतिवार को संसद के दोनों सदनों में इस विषय को लेकर हंगामा किया और माफी की मांग की। इस पर कांग्रेस नेता चौधरी ने कहा कि देश का राष्ट्रपति जो भी हो, चाहे वह ब्राह्मण हो या आदिवासी, हमारे लिए राष्ट्रपति है, पद की गरिमा का पूरा सम्मान है। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि वे माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसराइल की कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की है। उक्त जानकारी मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया ट्विटर के जरिए दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में लिखा कि पंजाब में पीने वाले पानी की गंभीर समस्या है। पंजाबों की धरती के लोगों को
साफ पीने का पानी ना मिलना बहुत बड़ी त्रासदी है। सीएम मान ने कहा कि इसराइल कंपनी मैकारोट के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कंपनी के साथ मिलकर नए प्रोजेक्ट लगाएंगे। पंजाबियों को साफ पानी मुहैया करवाने के लिए उनकी सरकार वचनबद्ध है। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने कन्नौज कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन की करोड़ों रुपए की सोने की तस्करी के आरोप में सशर्त जमानत मंजूर की है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की सिंगल बेंच ने दिया है। पीयूष जैन को जमानत तो मिल गई है, मगर कोर्ट ने ऐसी शर्तें लागू की हैं जिसके तहत इत्र कारोबारी बहुत कुछ नहीं कर सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीयूष जैन को जमानत देते हुए कहा कि पीयूष जैन अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकता। इतना ही नहीं, इत्र कारोबारी को 1 करोड़ रुपए के जमानत बांड के साथ अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। कोर्ट ने साक्ष्य से छेड़छाड़ ना करने को कहा है। बता दें कि छापेमारी में 280 करोड़ रुपए के अलावा 23 किलो सोना बरामदगी के मामले में पीयूष जैन जेल में था। विधानसभा चुनाव के दरमियान कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर स्थित घर पर छापेमारी हुई थी। भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 20,557 नए मामले सामने आए हैं और नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,39,59,321 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,46,323 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 4,400 लोगों की मौत हो गई और नई मौतों के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर अब 5,26,211 का आंकड़ा पार कर गई है। वहीं देश में कोविड 19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बढ़कर 1,46,323 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.33% है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।